आयुर्वेद के बारे में अफवाहें फैलाई गई, योग के बारे में अफवाहें फैलाई गई, हमारे बारे में अफवाहें फैलाई गई। बोले बाबा जी की आंत उलझ गई, ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका गए। पर कैसे उलझ गई? बोले नोली क्रिया कर रहे थे। अच्छा ऐसी, और ये खबर ऐसी फैलती है अफवाहें। मेरे से आचार्य जी ने फोन किया, बोले आज अखबार पढ़ा क्या? मैंने कहा नहीं। अच्छा अब तो पढ़ पढ़ के इतने हम, और जैसे देख देख के सुन सुन के हम लोग भी इतने जैसे कहते हैं पक्के हो चुके हैं, अब कोई असर ही नहीं होता इन चीजों का। पहले पहले तो कोई ऐसी खबर आती थी तो मैंने कहा हाँ ठीक है आई होगी देख लेंगे, अब तो पढ़ना ही बंद कर दिया। अच्छा लोगों ने भी पढ़ना बंद कर दिया और सुनना बंद कर दिया। बोले तो बाबा जी के पीछे सब हाथ धोके लगे हुए, इसलिए अब कोई ध्यान नहीं देता। पहले थोड़ा सा कुछ आर्ट होती थी तो लोग फोन करते थे, परेशान होते थे ऐसा क्यों कर दिया। अब लोगों को पता लग चुका है कि अब यदि कोई एक संस्थान जो पूरी दुनिया की आसुरी शक्तियों के साथ में लड़ रहा है तो उसके बारे में तो रोज ही अफवाहें फैलाएंगे, अब लोगों को भी कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ता। तो मेरे से बोले पढ़ा है? मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपके आंत का ऑपरेशन हो रहा है ना। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। बोले पूरी जोरदार अफवाह चल रही है। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी पर भी बताया। मैंने कहा देख लो भाई मेरा पेट, अब लाइव प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कहा भाई मैं यहीं हूँ और अमेरिका नहीं गया हूँ। फिर बोले बाबा जी का बाईपास हुआ। मैंने कहा भाई बाईपास होता है तो यहाँ से काटते हैं और एंजियोप्लास्टी भी करते हैं तो कहीं एंजियोग्राफी कुछ तो होगा, कहीं हम तो कहीं हॉस्पिटल में विजिट भी करने चले जाएं तो खतरे से खाली नहीं किसी रोगी को देखने भी। इसलिए बड़ा मैंने एक तरफ इतना बड़ा एलोपैथी का तंत्र जिस जो अमेरिका से संचालित होता है WHO से, हमारा तो संकल्प है 5 वर्ष लगे 10 वर्ष लगे 20 वर्ष लगे कम से कम 50-100 साल तो हम डिगने वाले नहीं है। WHO यही बनाएंगे, UNO यही बनाएंगे, WTO यही बनाएंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF यहां बनेगा। ये 5 ही तो संस्थाएं जिनसे पूरी दुनिया में षड्यंत्र फैलाए जाते हैं बड़े रूप में, तो वैश्विक संस्थाएं हमारे खिलाफ WHO में, WHO तक हमारे खिलाफ षड्यंत्र चलते हैं, UNO में हमारे खिलाफ षड्यंत्र चलते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF डरा हुआ है कि हम अभी तक तो हम मनमाने ढंग से डॉलर पाउंड की कीमत बढ़ा रहे थे, बाबा कहता है कि हमें तो रुपए को डॉलर और पाउंड से स्ट्रांग बनाना है, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात